भागवत के 11वें स्कंद में भगवान जब परम धाम को जाने लगे तो उद्धव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु लीला संपन्न करके अब आप कहां जाओगे, अपने गोलोक धाम। तब भगवान बोले, नहीं उद्धव, तुम अलकनंदा में जाके मेरी भक्ति करना, और ज्ञानी तो अपने ज्ञान के बल पे मुझ तक पहुंच जाएंगे, योगी योग के बल पे मुझ तक पहुंच जाएंगे, पर मेरे मऊआ खीरा के ये नन्हे भक्त, ना जिन्हें वेद आता, ना पुराण आते, ना शास्त्र आते, ना योग आता, ना ज्ञान आता, इनका उद्धार कैसे होगा। तो उद्धव, मैं भागवत में प्रविष्ट होने जा रहा हूं, और व्यास को निमित्त बनाकर गांव गांव यज्ञों यज्ञों में जो कथा होगी वो मेरी वाणी होगी, उससे लोग भक्ति की राह में आकर वो मेरा धाम पाएंगे। तो ये प्रमाण मिल गया ना, प्रत्यक्ष कृष्ण ऐब ही। दूसरी बात, फिर पता कैसे चलती है कि भगवान भागवत में है और अन्य पुराणों में नहीं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत श्रवण कराने लगे तो देवता अमृत कलश लेके आ गए। बोले, महाराज परीक्षित को समस्या है मरने की, अमृत पिला दो, अमर हो जाएगा, तो ये भागवत हमें दे दो, हम स्वर्ग में कराएंगे। अभक्ताश्च सुरश्रेष्ठो विज्ञाज्ञाय दधौ, नाथ मना कर दिया सुखदेव जी महाराज ने, नहीं देंगे। क्यों? बोले, तुम्हारा अमृत तो गिराता है और भागवत जी तो उठाते हैं। कहने का मतलब, अमृत पान करके देवता बन जाओगे, पुण्य क्षीण होने के बाद फिर नीचे गिरोगे, और भगवान की कथा सुनकर परम पद मिलता है, संसार में गिरना नहीं पड़ता। देवता नहीं माने, ब्रह्मा जी को बुलाया, धर्म के तराजू पे एक पलड़े पे भागवत जी और एक पे अमृत कलश, संसार के सारे सुख रखे। और जब ब्रह्मा जी ने उठा दिया तो लघुन्यानी जाता नहीं गौरवीण दम महता, भागवत जी का पलड़ा नीचे, अमृत कलश ऊपर। देवता बोले, आश्चर्य कैसे हो गया। तब भगवान ने कहा कि श्रीमद भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये पलड़ा इसलिए नीचे हो गया क्योंकि भागवत कोई पोथी और पुराण नहीं, भागवत तो स्वयं श्री कृष्ण है, इसलिए ये पलड़ा उठा नहीं है। तो भागवत कोई साधारण पुराण नहीं है, भागवत तो स्वयं श्री भगवान की वाणी है। जो भगवान ने मुंह से बोली उसमें भागवत लग जाता है। जैसे भगवान ने बोली है गीता अर्जुन से, तो श्रीमद भागवत गीता, और नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई 4 श्लोकों में, तो इसलिए श्रीमद भागवत। भगवान की जो वाणी होती है श्रीमद, उसी में अलंकृत किया जाता है। सूत जी महाराज ने कथा श्रवण कराई, हे ऋषियों, नारद जी अपने कष्ट की निवृत्ति के लिए सनत कुमारों से मिले कि इस भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो। सनत कुमारों ने कलयुग के 230 वर्ष बीतने पर आनंद तट पर सुंदर मंच बना करके, और पहले परीक्षित बने नारद जी, वक्ता बने सनत कुमार, और सुनाया कि ये मानवा पाप कृतस्तो दुराचारता विमार्गता क्रोधाग्नि दग्धा कुटलस्य कामना सप्ताहि अज्ञेन कुल उपनन्तिते। ये मानवा पाप कृतस्तु, हे नारद जी, कैसा भी पापी हो अगर भागवत की शरण में आ जाए तो उद्धार हो जाएगा। आप कहेंगे, महाराज कोई प्रमाण है? बिल्कुल है। पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुद्रासना, जो बच्चों का खून पीने वाली थी उससे पापी कौन हो सकता, पर भगवान कृष्ण के सानिध्य में आई तो भगवान ने वह गति दे दी जो माँ यशोदा को मिलना है। हे मानवा पाप कृतस्तु और दुराचारता विमार्गता, कैसा भी दुराचारी हो, कैसा भी कुमार्गी हो, क्रोधाग्नि दग्धा, कैसा भी क्रोधी हो, कुटलस्य कामना सप्ताह अज्ञेन कुल उपनन्तिते, अगर 7 दिन भागवत की कथा सुन ले तो सारे पापों का क्षय हो जाएगा। तो ये तो बात समझ में आ गई कि क्रोधी पर कुटिल कामी किसे कहते हैं, जी समझ में नहीं आया। कुटिल कामी उसे कहते हैं कि एक गांव में कुटिल कामी व्यक्ति था, उसने माते मुखिया लंबरदार 3 लोगों को ऐसा चुना था कि कोई भी घटना घटे वो फंसा देता था तीनों को, घर में आग लग जाए 436 का मुकदमा तीनों के ऊपर, माते मुखिया लंबरदार उसने तो चुन रखे थे,
अंत समय आया तो गांव के लोगों को बुलाया, बोले भैया मैंने जीवन पर्यंत माते मुखिया लम्बरदार का बुरा बुरा सोचा, हम जब मर जाएं तो माते मुखिया के हाथों हमारे मुंह में खूंटा ठकवा देना। गांव के बोले चलो ठीक है तुम्हारी अगर अंतिम इच्छा है। बोले नहीं तो हम भटकते फिरेंगे, भूत बनेंगे, गांव को लगेंगे। चार पंच बोले नहीं नहीं भैया ठुकवा देंगे, परेशान ना। अब जब अंत समय आया, गांव के लोग जुड़े, माते मुखिया लम्बरदार को बुलाया, जब वह मर गया बोले इसके मुंह में खूंटा ठोक दो। तीनों डरने लगे, अरे इसने जीवन भर हमें जेल पहुंचाया, हमें नहीं ठोकना। गांव के बोले जब हम गांव साथ है तो क्या परेशानी, अब वो जिंदा थोड़ी है, अब तो वो मर गया, तुम्हारी कौन सी रिपोर्ट करेगा। गांव के बोले तो ठीक है। सो एक लंबा खूंटा लाए और उसके मुंह में ठोंक दिया, ऊपर से सफेद कपड़ा उड़ा दिया, बोले ले चलो अर्थी। अर्थी लेके गए, सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, मुंशी बोला साहब कुछ दाल में काला है। दरोगा जी बोले क्या, बोले ऐसा मुर्दा हमने आज तक नहीं देखा, ये लेटा है कि बैठा है। बोले ये तो बैठा दिख रहा है, तो बोले निश्चित कुछ गड़बड़ है। तो बोले उतरवाओ, उतरवाए, उतरवाओ। दरोगा जी नीचे उतरे, मुंशी ने कहा नीचे उतारो। बोले का, बोले का कुछ नहीं, नीचे उतारो। नीचे उतार दिया, कहा जा निकालो ये। और जैसे ही सफेद कपड़ा निकाला, पुलिस वाले बोले देखो साहब 302 का केस है। जे 302 का केस है, बोले खूंटा ठोक के मार दिया बेचारे को। दरोगा जी बोले किसने खूंटा ठोका। अब गांव के चार पंच तो उसी का नाम लेंगे जिसने ठोका। बोले माते मुखिया लम्बरदार ने ठोका। माते मुखिया लम्बरदार फिर आ गए गांव कन से, बोले आप ही लोग तो कह रहे थे। अब बोले कहता तो कोई भी है, बच गए गांव के। माते मुखी अलमरदार को हथकड़ी पड़ गई। जाते जाते एक बोले कि जय हो तेरी, जिंदा जियत भी व्यवस्था बनाई और मरने के पहले भी जेल में व्यवस्था बना के गया। ऐसे व्यक्ति समाज में कई हैं, आप कितना भी अच्छा कर लेना पर वो आपके साथ बुरा ही करेंगे, उनका ये स्वभाव है। ऐसे व्यक्ति को कहते कुटिल कामी। अगर ऐसे कुटिल कामी व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तब भी उनका उद्धार हो जाएगा। आत्मदेव पंडित जी की कथा सुनाई, कहा भगवान के प्रसाद की कभी अवज्ञा मत करना और ना भगवान के प्रसाद की कभी परीक्षा लेना। संतों ने प्रसाद दिया था पर धुंधली ने गाय को खिला दिया पर स्वयं नहीं खाया। तो गौकर्ण जी हुए गाय के और धुंधकाली हुआ स्वयं के। इतने कष्ट दिए कि अंत में आत्मदेव पंडित जी ने वन में जाके भगवान की भक्ति की और धुंधली ने कुएं में कूद कर अंतो कत्वा धुंधकाली के मुंह में जलते हुए अंगारे भर दिए और पांच वेश्याओं ने मार दिया, प्रेत बन गया, भागवत सुन के उद्धार हुआ। ये कथा हमें शिक्षा क्या देती है, अगर हमारे भाग में नहीं है तो ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि संत जी ने कहा था आत्मदेव पंडित जी से, पंडित जी तुम्हारे भाग में पुत्र सुख नहीं है, तुम जबरदस्ती हमसे संतान मत मांगो। पर पंडित जी ने कहा था सुख अलग बात है, तुम तो हमें संतान दे दो, सुख तो अपने आप हो जाएगा। ये गलत है। अगर भगवान हमें संतान नहीं दे रहे हैं तो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारे भाग में धुंधकाली लिखा होगा, इसलिए भगवान ने संतान नहीं दी। हम कम से कम सुखी तो है। पुत्र को पुत्र निकल आएगा तो जीवन भर का रोना होगा। तो ये कथा हमें बताती है आत्मदेव पंडित जी के संतान नहीं थी, पति पत्नी सुखी रह रहे थे, पर जबरदस्ती संत से आशीर्वाद लेकर संतान मांगी तो धुंधकाली जैसे राक्षस पैदा हुए, जीवन भर दुख दिया। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद कि धन वृद्धा ना बल वृद्धा आयु वृद्धाश्च तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च शिष्य किंकरा शिष्य किंकरा। हम लोग जो धन में बड़ा होता है उसे बड़ा आदमी कहते हैं, बल में जो बड़ा हो उसे बड़ा आदमी कहते हैं, आयु में जो बड़ा हो उसे बड़ा आदमी कहते हैं, पर भागवत जी कहती हैं तीनों बड़े आदमी नहीं है।
आज धन है कल चला जाएगा, काय के बड़े आदमी। शरीर में आज बल है कल बीमार पड़ जाओगे, काय के बड़े आदमी। 100 साल की उम्र कर ली पर कभी भगवान का नाम नहीं लिया, काय के बड़े आदमी। तो बोले बड़ा कौन है, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, जिसके पास आत्मज्ञान है बोले वही बड़ा है, क्योंकि हजारों लोगों का कल्याण करा देता है। ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, शिष्य किंकरा शिष्य किंकरा। कैसा भी अधम हो भगवान की कथा कल्याणकारी है। एक शब्द भी मिल जाए, कुछ भी मिले ये मत सोचना, कथा मिले, संगीत मिल जाए, दृष्टांत मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, श्रवण रंधों तक चला जाए, क्योंकि प्रसाद में चाहे बर्फी मिल जाए, चाहे रसगुल्ला मिल जाए, चाहे लड्डू मिल जाए, चाहे गरी मिल जाए, चाहे लायची दाने मिल जाए, पर है कल्याणकारी क्योंकि प्रसाद है। भगवान की कथा कभी श्रोता बन के मत सुनना, भगवान की कथा में श्रोता जो एकाग्र मन से सुनता है, सोता जो पाए देख के टिक के सो जाता है, बाद में कहता आनंद आ गया, सोता। और श्रोता बोले अभी देखो ये कमी है, ये टेंट यहाँ लगा होता, ये चोंगा इधर मुड़ा होता, ये साउंड इधर रखे होते, यज्ञशाला ठीक नहीं बनी, ये पंडित जी कैसे कपड़ा पहने, कमी ही कमी निकालता रहेगा। यहां तक तुम्हारे बगल में आएगा, बैठ जाएगा और थोड़ी कथा शुरू होगी, सबका मन लगेगा और वो तुमसे कहेगा गुटका डालेगा, गुटका है का? तुमको भैया कथा तो सुनने दे, हमें काहे परेशान, बड़े पारिषद बने फिर रहे। फिर दूसरे से जिस श्रोता है ये कभी मत बनना, श्रोता बन के भगवान के दरबार में जाओ, अगर नहीं सुनना हो तो फिर घर लौटो, कम से कम विघ्न बन के तो ना आओ, कलयुग बन के तो ना आओ, अगर आए तो फिर हनुमान जी होते हैं, राम कथा सुनबे को रसिया, हनुमान जी महाराज बैठते हैं, अगर तुम कलयुग बने तो हनुमान जी महाराज से फिर बड़ा दंड देने वाला कोई हो नहीं सकता। तो आइए अब हम एक भजन करें और भजन के बाद आरती, क्योंकि हमें भी निकलना, हमारी शाम को कथा पुनः फिर स्टार्ट होनी है और कल से 2 बजे का समय है, बताइए आप लोग। देखो हम बता रहे हैं सिर्फ कल की है बात, ठीक, या तो कल 2 घंटे में समझौता आपको करना पड़ेगा, या फिर 2 बजे से कर लो तो हम 5 बजे तक रहेंगे, परसों के बाद फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ कल 2 बजे से, परसों से 3 बजे से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और कल एक कूलर की व्यवस्था और यहाँ पे ऊपर एक छाया आ जाए, आनंद तो हम इतना देंगे। अभी हमारी एक कथा और झांसी डबल मिल रही थी पर हमने मना कर दिया, हमने कहा नहीं, हम सिर्फ अपने उसी गांव में कथा करेंगे, हमें दूसरी जगह समय नहीं देना, हम आपको आनंद देने आए हैं, इतना आनंद देंगे, ऐसा ज्ञान देंगे आपको। अभी आप क्या समझते हो कि भागवत कथा है, पर भागवत कथा है ही नहीं, भागवत अलग है, वो कथा अलग है, भागवत है ज्ञान। जब तक तुम्हें ज्ञान जगेगा नहीं, तुम भक्ति की ओर कैसे मुड़ोगे। जैसे ये बताओ, हम आपको जैसे रामायण का ज्ञान ना हो, हम हनुमान जी की मूर्ति दिखाएंगे तो आप तो कहोगे महाराज बंदर है जे, और हम कहेंगे हाथ में क्या लिया, तुम कहोगे पत्थर, किसी को मारने के लिए खड़ा है। अगर रामचरितमानस का ज्ञान होगा तो आप कहोगे अंजनी लाल हनुमान जी महाराज हैं और पर्वत लिए हैं, बस ये ज्ञान से भक्ति जागती है। तो भागवत में जो दिव्य ज्ञान भरा है, हम आप सभी को वह ज्ञान से अवगत कराएंगे और भगवान की कथा उदाहरण है, उनसे हम आपको समझाएंगे। बस समय से आप आ जाओ, फिर देखो आप दिव्य आनंद। एक भजन, भजन के बाद आ जाओ। कि मेरे बांके कि मेरे बांके बिहारी के नैना सखी कछु जादू सो कर गए, बांके बिहारी के नैना सखी कछु जादू सो कर गए। We'll be right back.
जादू सो कर गए हटोना सो कर गए, जादू सो कर गए हटोना सो कर गए। मेरे कुंज ओ मेरे कुंज, मेरे कुंज ओ बिहारी के नैना सखी, कछु जादू सो कर गए के बिहारी के नैना सखी रे, कछु जादू सो कर गए। जाने कैसो कर गए जादू, जाने कैसो कर गए जादू, मेरे दिल पे रहा न काबू, मेरे दिल पे रहो न काबू। दिन बीते ओ दिन बीते, दिन बीते नहीं रे ना सके, कछु जादू सो कर गए। मोटी मोटी अखियां बड़ी गजरारी, मोटी मोटी अखियां बड़ी गजरारी, जादू कर गौ बांके बिहारी, जादू कर गौ बांके बिहारी, जादू कर गौ बांके बिहारी, जादू कर गौ बांके बिहारी। ओ श्याम सुंदर, ओ श्याम सुंदर, श्याम सुंदर बड़े नैना सखी, कछु जादू सो कर गौरी। मेरे तो बिहारी के नैना सखी, कछु जादू सो कर गौरी। मेरे बांके बिहारी के नैना सखी, कछु जादू सो कर गौरी। बोलिए भागवत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की, समस्त संत भक्तों की जय। जय है तारी श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने।
मंगल जाने रही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये शांति की तो पावन पुण्य तो पापों को मिटाने दरस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है खोल सदमान दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ओ बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती धर्म की गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की।